खुश भी होना चाहिए क्योंकि ये वो महीना है जिसमें खुदा यीशु मसीह इस दुनिया इस रूप में जमीन पर आए। आमीन। मैं चाहता हूँ कि पहले हम खुदा के काम की तरफ बढ़े, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम छोटी सी दुआ करें ताकि खुदा मुझे अपने हिस्सों में आने रखे, मैं अपने खुदा में समझूँ और आप भी सही तौर से समझ सके और मैं आपको सिखा सकूँ। बेशक मैं इस लायक नहीं लेकिन ये खुदा का फजल उसका नाम है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पास विषय बाबर साहब का कि मैंने 8 या 9 साल मेरा ज्ञान है कि नीचे बैठ के कलाम सुना सीखा, जितना भी सीखा उतना तो नहीं गया लेकिन मैं जितना हो सकता हूँ बयान कर सकता हूँ। मैं अभी एक पौधा नहीं हूँ कल गाया हुआ, अभी एक बीज हूँ, अभी पौधा मैं बनूंगा। जब मैं पौधा बनूंगा तो इसका मतलब मैं बेहतर काम सुना सकूँ। अभी उन्होंने बीज जो बोया है मेरी जिंदगी में हमारे सर की वजह से, बिशप साहब की वजह से, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आज प्लान कर जब निकाले तो बोल सकते हैं आगे। हम देखते हैं कि पहले के आय की तरफ पढ़े, पहले मैं चाहूंगा अपने आपको बताऊँ कि लूका कौन था, लूका का मतलब क्या है, लूका के लफ्जी मायने क्या है, लूका कौन था और लूका ने कितनी किताबें लिखी। पहले हम लूका की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। बेशक आय की तरफ हम बढ़ेंगे लेकिन ये भी देखते हैं ना कि जिसकी किताब में लिखा गया वो कौन है। आमीन। पहले हम देखेंगे लूका के बारे में जानेंगे। लूका जो है उसको इंग्लिश में लूक कहते हैं, इंग्लिश में लूक कहते हैं और यूनानी जुबान में लुकास कहते हैं, जिसके लफ्जी मायने है लाइट गिविंग। लाइट गिविंग का मतलब है रोशनी फैलाने वाला, नूर की तालीम देने वाला। आमीन। लूका जो था वो मालूम हुजूर का हम खिदमत साथी था, हम खिदमत भी था साथी भी था, उसके साथ खुदा की खिदमत भी करता था। इसके अलावा लूका ने दो कुतुब लिखी, एक महान और एक लूका, वो दो किताबों का मुसलिका नए अहद नामे में, पुराने अहद नामे की बात नहीं कर रहा, नए अहद नामे की बात कर रहा हूँ कि उसने दो किताबें लिखी वो जो थी इमान और लूका। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के जितने भी शरीर थे वो यहूदी थे लेकिन लूका ही वो वहद खुदा का नबी था जो गैर यहूदी था, वो गैर यहूदी और नौ मरीद था। नौ मरीद का मतलब होता है कि नया नया मसीही होना, वो नया नया मसीही था और गैर यहूदी था और वहद मुसली था जिसने अपनी दो किताबें ली इमान और लूका। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ, बार बार करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, आपके जहन में बह जाए। आमीन। लूका एक आला तालीम याफ्ता और मुहज्जब शख्स था। लूका जो था वो एक पढ़ा लिखा और काबिलियत रखता था, वो बहुत माहिर था अपने काम में भी। हम देखते हैं कि जब कुर्सी उसका 4:14 में लिखा है कि मेरा प्यारा तबीब लूका, कौन कह रहा है, कुर्सियों कह रहा है, वो प्यारा इसलिए कह रहा है, जाहिर सी बात है कि लूका एक अच्छा काबिलियत रखने वाला शख्स और खुदा को फैलाने वाला और उसके नूर की तालीम देने वाला था, इसलिए उसको मौजूद शख्स और आला काबिलियत का कहा गया है। वो एक उसका कारोबार जो था वो एक तबीब था। पहले वो जब दुनियावी खुदा में नहीं था, पहले वो तबीब था तो लोगों को दवाइयाँ देता था,
डॉक्टर इस्लाम कहते हैं। लेकिन जब वो खुदावंद में आया तो वो खुदावंद का तबीब बना और उसने दवाइयां छोड़ के लोगों को दवाएं देना शुरू किया। आज हम मजीद इसकी तरफ बढ़ते हैं और ये वो वाहिद मुकद्दस किताब है जिसमें लूका को एक रवायत के तौर पर शहीद किया गया। रवायत का मतलब होता है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको रवायत के तौर पर से मतलब है कि जो मैं अपने बाप से सुनूंगा जहर सी बात मेरे बाप मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि माँ बाप भी जो होते हैं वही सब बताते हैं अपने बच्चों को ना कि दूसरे। इसलिए जो उसको एक रवायत के मुकाबले में चुनाव में शहीद किया गया। अब हम आयत की तरफ बढ़ेंगे। उसका जो बाप उसके नाम में आया उसकी शहीद करूँगा आपके सामने। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौखेल चमका और वो नहाय डर गए। इससे पिछली आयत में हम देखते हैं इस इलाका में सरवाए से जलाल को मैदान में रहकर अपने गंडा की निगरानी नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरी आयत नहीं है, मेरी नौवीं है, तो मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो चरवाहे बैठे हुए थे उन पर खुदावंद का जलाल चमका। इसको मजीद बयान करने के लिए हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो खुदा ने अपने फरिश्तों को मुतहरक किया, मुकर्रर किया। इसको आप कह सकते हैं मुतहरक का मतलब होता है मुकर्रर किया। उसने अपने फरिश्तों को मुकर्रर किया कि वो फर्दन मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस यूसुफ और चरवाहों के पास गए। चरवाहों पर इस बड़े भेद और मुकाशे को जाहिर कर रहे थे। इस बड़े भेद को क्या कर रहे थे? जाहिर कर रहे थे। जो भेद पुराने अहदनामा में एक चादर नबूवतों की चादर में पोशीदा था, पुराने अहदनामा में पोशीदा था, लेकिन नए अहदनामे में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मुताबिक बताया गया। मगर अब इस नबूवतों की चादर को फरिश्ते बड़े जलाल के साथ हर खास और आम पर, खास कौन थे? मजूसी। वेरी गुड। और गुड बिल्कुल आम जो होते हैं ऐसे क्लीसिया में आप सब आम नहीं, आप थोड़ा कुछ नहीं दर्द होगा। वैसे क्या है जो इस पुरपट पर खड़े होते हैं वो होते हैं खास लोग, यानी जैसे पासनों पर ये प्रस्ताव है ये हमसे हाई लेवल में है, हम नीचे बैठते हैं चांद का युग जाते हैं, ये हमसे हाई लेवल है, ये हो गए खास लोग। हम होंगे आम लोग, हम वैसे आम नहीं हैं क्योंकि हम खुदावंद के चुनिंदा लोग हैं। लेकिन अगर आप एक चर्च की बात करें, एक मीटिंग की बात करें, तो फिर हम एक आम लोग, ये हमसे ज़्यादा अच्छे हैं बेशक। इसलिए खुदावंद ने अपना जलाल, अपनी पैदाइश हर एक खास, हर एक आम शख्स पर जाहिर की। आमीन। जो मजूसी थे वो गैर कौम के, मजूसी गैर कौम के थे। खुदावन हमारे लिए नहीं आए, खुदावन गैर कौम के लिए आए। खुदावन पूरी दुनिया की खलक जिसको खुदावन ने किया है उसके लिए आए। खुदावन ने मजूसियों को भी अपना ग्राम भी खुशखबरी दी और उनको भी फरिश्तों की मानत दी गई। चरवाहे देखे, चरवाहे कितने मुबारक लोग हैं कि उनको फरिश्ते की जुबानी बताया गया। जब खुदावन का जलाल उनका जो चमका तो फरिश्ते ने उनको क्या बताया कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताया। खुदावन का जब चला चुके चमका, खुदावन के चला के चुके चमकने से मुराद है उसकी हाकिमियत, उसकी कुदरत कि वो नूरों का बाप जाहिर हो रहा है। क्योंकि जब उसका जलाल, उसकी कुदरत उनके गिर्द चमकी तो वो समझ गए कि ये जाहिर से बात उस रास्ते की पैदाइश है, वो भी आम नहीं। इस मुकाम पर खुदावन का जलाल इसके लिए डॉक्सा जो है ये यूनानी मान का लफ्ज है, ये इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हम बड़ी बशारत का इस्तेमाल आसमानी लश्कर के हम की गिरोह के साथ करते हैं। हम के साथ इस्तेमाल होता है मेरे अजीजों, मैं आखिर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा यसू मसीह चुनाव दुनिया को अजीब मानने और सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ जो दुनिया का बहुत अच्छा चरवाहा है, जो अपनी भेड़ों के लिए, आप सब के लिए, हम सब काम कर रहे हैं, वो हमारे अपनी भेड़ों की खातर अपना तक छोड़कर जमीन पर आ गया। उसने बदन इख्तियार कर दिया, वो एक नूर था, नूर ने बदन इख्तियार किया हम सब के लिए ताकि हम गुनाहों से निजात पाए। बेशक गरीब जो चरवाहे थे वो बहुत गरीब थे,
लेकिन उन पर खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया, उनके चुपके से खुदा का जलाल चमका और खुदा होते हुए भी एक आम इंसान बना। उस अजीम चरवाहे और अजीम मुंह जो जो के कलाम में खुदा है, ज़बूर 119 आए तो 119 ज़बूर और उसमें 105 आए क्या लिखा है तुम बता सकते हैं जी? पढ़ के बता दें कोई भी ज़बूर 119। हाँ जी क्या है उसकी बात में बता दें 119 आए 119 बाप और उसकी 105 आए। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। बेशक कितनी प्यारी बात है, मेरी राह के लिए क्या है रोशनी है और मेरे कदमों के लिए चिराग है। अपनी जिंदगी के अंदर हम इस आयत को लेंगे जो खुदा यीशु मसीह के कलाम में लिखी हुई है, जबूर में लिखी है, दाऊद नबी ने लिखी है। ऐसा ही है, वो एक नूर था और उसने नूर की आयत दी है तो हमारी राह के लिए क्या थी रोशनी भी। रोशनी इस तरह से है कि वो हमें रूही और सीधा से गाइड करता है कि बेटा ये राह सही है, बेटा ये राह गलत है। आमीन। यीशु जो दुनिया का नूर है और जो कलमा खुदा है उसको अपना हरावल और चंडावल बनाए। हरावल और चंडावल जो है ये यशाया की किताब में लिखा है। हरावल का मतलब होता है आगे चलने वाला, चंडावल का मतलब होता है पीछे चलने वाला। ये यशाया की किताब में लिखा है। और फिर मैं और आप लूका की तरह नूह को बुलाने वाले और नूह की तालीम देने वाले बन जाएंगे अगर हम खुदा की उस आयत को अपने देहन में रखें, दिल में रखें, तो फिर मैं आप खुदा के नूह को फैलाने और उसकी बराती करने वाले बन जाएंगे। बहुत अच्छा।